वही दावा भाजपा कर रही है, सपा कह रही कि मैंने भी बहुत कुछ कर दिया, भाजपा कह रही मैंने भी बहुत कुछ कर दिया। अगर वही भाजपा के मित्र यह कहते कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ तो इस बात को मैं सपोर्ट करता। आज उत्तर प्रदेश में कुछ कमियां हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है। आपको मैं बता दूं, पहले से चार राज्यों की मांग हो रही थी, बांदा में भी चुनाव हो रहा है, केन नदी के किनारे है, केन नदी के किनारे, लेकिन पानी के लिए आज भी तरस रहे हैं। आज भी औरतें 13-13 किलोमीटर दूर, 7-7 किलोमीटर दूर जाकर पानी, जैसे राजस्थान के सर पे पानी लाती है ना, ये पूरा ब्यौरा है। मुझे कहा था पत्रकार महोदय, दिल्ली जाइएगा आप जरूर बोलिएगा, दिल्ली में कोई बात आवाज दूर तक जाती है, आप दिल्ली में बोलिएगा कि मुझे भी अधिकार है कि मैं भी दिल्ली वालों की तरह, लखनऊ वालों की तरह शुद्ध पानी पी सकूं। ये बात अलग है कि भाजपा ने कहा है कल से जल देंगे, लेकिन वो नल अभी भाजपा वाले लगा रहे हैं, कहां लगा रहे वो संदीप दुबे जी बताएंगे। और वही चीज अभी मैं सुन रहा था, मैं आपको बताऊं, कांग्रेस भी इस बात को, कांग्रेस ने बहुत अच्छी बात कही है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन उनका मैनेजमेंट जो है उसमें लड़की कोई अच्छे नेत्री को, विधायक को, मैं कहा ना उनको अध्यक्ष बना देना चाहिए था, और सीधे बोलते कि पहले में महिलाओं को, अगर जीतेंगी तो महिला मुख्यमंत्री होगी, दूसरी बात कैबिनेट में सब महिला ही मंत्री होंगी और महिला ही लीड करेंगे, उत्तर प्रदेश में महिला ही शासन करेगी। तो ये बात है। हाँ, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा दावे के साथ, उत्तर प्रदेश में जब कहा मैं लड़की लड़ सकती हूँ, तो आप एक चीज जरूर देखे होंगे कि बहुत सारी लड़कियां मैराथन में आई थी, मैराथन में जब भाग ली थी तो किसी ने सोचा नहीं था इतनी लड़कियां, उत्तर प्रदेश की लड़कियां, पढ़ी लिखी जागरूक लड़कियां उसमें भाग लेने आ गया। लेकिन क्या कारण रहा मैराथन को, क्यों अचानक स्थगित करना पड़ा, ये भी एक अचंभित वाली बात है, ये भी कांग्रेस को समझना चाहिए। हालांकि ये नारा जो है उत्तर प्रदेश में गूंजा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन मैनेजमेंट जो है कांग्रेस का, उस नारे को सही ढंग से जमीन पर नहीं उतार पाया। अगर सही ढंग से जमीन पर उतार पाता तो आज सांसें फूल जाती भाजपा की और सपा की। लेकिन एक तस्वीर उभर के आई थी जब अखिलेश यादव जी प्रचार कर रहे थे जयंत चौधरी जी के साथ, और प्रियंका गांधी उधर से प्रचार करते आ गई, तो तीनों ने एक दूसरे को ऐसे अभिवादन किया, तो वहां उनके तमाम कार्यकर्ता भी अभिवादन किया, यह तस्वीर चर्चा कर रहा, तो लगता है कि चुनाव बाद इस संबंध को और भी आगे ले जाया जा सकता। जैसे भी संदीप दुबे जी कह रहे थे, प्रियंका गांधी तो आज कह ही रही है, अमेठी से जनसभा कर रही थी, कह ही रही थी कि विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं किसी के साथ थोड़ा और कर दूं। तो कुछ चीज है, जैसे सीतापुर में, सीतापुर जो है आपको पता है हरदोई, हरदोई में भगवान विष्णु का लीला भी है। आपको मैं खुल के बताऊं, उसका नाम ही पड़ा हरि के द्रोही, और आपको पता है हिरण्यकश्यप, और वहीं पर आपको मालूम है ना बहुत चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश से बहुत सारे उद्योग धंधों को बढ़ाया जा सकता है, सभ्यता संस्कृति को भी लाया जा सकता है, उससे भी लोग पढ़ने के लिए आ सकता है, विदेश से लोग रिसर्च करने आ सकता है, बड़े बड़े पीएचडी करने वाले लोग वहां आ सकता है, जमावड़ा लग सकता है। लेकिन न जाने क्यों सपा को भी नजर नहीं अपने शासनकाल में, और भाजपा को भी अपने शासनकाल में नजर नहीं आया, तो कुछ न कुछ कमियां आज भी है। बुंदेलखंड के लोग जो है मुझे कहा कि हाथे मजदूरी दिक्कत हो, मतलब वहां के भाषा है कि यहाँ पर मजदूरी के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है, हमारे जवान बच्चे पंजाब, दिल्ली, मान लीजिए हरियाणा या गुवाहाटी तक चले जाते हैं। तो ये मजदूरी जो है, ये मजदूरी सपा भाजपा की सरकार रही 5 साल, लेकिन बुंदेलखंड वाले को मजदूरी नहीं दे पाए दोनों पार्टी, तो ये भी टेंशन का बात है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अभी ये चौथे चरण का मतदान है, बांदा में अभी जो मत प्रतिशत है वो भी ठीक ठाक है, क्योंकि वहां भी कुछ लोगों ने कहा कि हम मतदान करेंगे क्योंकि एक अधिकार है। तो सरकार को भी, इसीलिए मैंने कहा ना कि जनता कब तक दबाव सहेगी, जनता को दबाव कब तक सहना पड़ेगा, क्या जनता कभी भी दबाव रहित जिंदगी नहीं जी सकती क्या, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे वो सपा की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो। तो तमाम पार्टियों को सोचना चाहिए कि जिस तरह से एक अमीर आदमी शुद्ध जल पी सकता है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश की गरीब आदमी, गरीब जनता भी शुद्ध जल पी सके, ये कौन करेगा व्यवस्था। ठीक है, चलिए, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं, वो बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। जसवाल साहब जी, बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, संदीप चौधरी जी जब बोले तभी आपने हाथ उठाया था।
जी मैं बताना चाह रहा हूँ, जो डॉक्टर धनोज साहब ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश को पारदर्शित करकर एक एक चीज का बारीकी से जो उन्होंने संज्ञान में लाकर लोगों को दिया कि बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के वो कुछ खास करके है, और उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश है, 24 करोड़ आबादी वाला सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ तो जिस तरह से लोग विकास का प्रोपगंडा गाते आए हैं, समुचित विकास सबसे ज्यादा जहाँ हो शिक्षा का अनुसरण होना चाहिए। हमारा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर का हमारे मित्र ने बोला, काशी विश्वविद्यालय जो है सबसे विश्व में एक स्थान रखता था, BHU उसके छात्र हम रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि ये उत्तर प्रदेश में युवाओं को जिस तरह से धोखा भ्रम देकर सरकार, जिस तरह से हमारे योगी सरकार में बोला गया कि 5 लाख नौकरी देंगे प्रतिवर्ष, और अभी भी दावा करते हैं कि 4.5 लाख नौकरी में 5 साल में दिया हूं, वो भी पूछा जाता है किस विभाग में कितना नौकरियां दिया गया है, वो भी बताने में नाकाम रहे। तो विकास युवाओं के रोजगार से शुरू होता है, और जिस तरह से मध्यवर्गीय, जिस तरह से बनारसी साड़ी वगैरह काशी में, जो ये सब धारा टूटते क्या है, जो हमारे उत्तर प्रदेश में रेशम का और जो ईख का ये खेती जो सारे हमारे यहाँ बुराई पे, अरे करने से कांग्रेस को वोट नहीं मिलने वाला है, भाई बीच में क्यों बोल रहे हैं दुबे जी, आपको अनपढ़ हो रहा है इसलिए क्या? बोल रहे हैं कि तीस अनपढ़ हो चालीस रहा है? गुजरात मॉडल लेके आए हैं ये दो गुजराती, जिस मिनट तरह से आप बोल रहे GST हैं, के नाम धनोज जी बोल रहे पर, हैं, पुष्कर और जी जिस बोल तरह रहे से हैं, गुजरात में आज पता अपने चला दोनों है भी कि बोले कोयला वो नहीं घोटाला बोले। हुआ, 22,000 करोड़ रुपया लेकर इसलिए मैं लापता बोल रहा हूँ गुजराती कि हो चालीस जाते हैं 10 मिनट की व्यापारी। डिबेट में जो अरे सरकार, बैंक लूट ले अरे रहे हो उसका आप, बैंक का पैसा लूट ले रहे हो, देश बेच रहे हो, शर्म आनी चाहिए बीच में बोल रहे हो, देश का सारा संपदा गिरवी रख रहे हो, जैसे रेलवे बेच दिए, रेलवे को बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, अडानी जैसा आदमी विश्व का सबसे लीजिए, बड़ा आदमी हो जा विरोध रहा और है, विपक्ष का जो उत्तर 24 प्रदेश, घंटे भाई बुराई उत्तर कर, प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का व्यक्ति क्यों नहीं बड़ा आदमी बन रहा है, गुजराती सिर्फ बड़े आदमी बन रहे हैं, नमस्ते ट्रंप करके गुजरात में जिस तरह से लाया गया, गुजरात मॉडल दिखा रहे थे ढक ढक कर, वो कहाँ मॉडल गया, किस उत्तर प्रदेश में उस मॉडल का विकास देखिए हुआ, चिल्लाने जिस से तो तरह वोट से नहीं पप्पल मिलता है, शेर अगर चिल्लाने लगाया से गया वोट शेर, मिलता चौक तो हमें लगता है चौराहे पे कांग्रेस के शेर लोग इन लगाया पर गया, बहुत ज्यादा पप्पल से चिल्ला मेक रहे इन हैं इंडिया, उनको। मेक इन उत्तर प्रदेश इंडिया, में तो मेक बहुमत इन इंडिया, समाजवादी पप्पल शेर पार्टी, लगाया गया, कहीं कहीं कहां कहीं का करूंगा उद्योग प्रधानमंत्री धंधा, को कुनबा उत्तर जोड़ना प्रदेश नहीं में कितना पड़ा, उद्योग तो धंधा चिल्लाने लगाया, से पुष्कर कितना में वोट नहीं यूनिवर्सिटी मिलता है, लगा, पढ़े लिखे कितना लोगों को कॉलेज काम लगा, करके कितना और मेडिकल जनता का कॉलेज दिल में शुरू जीतना हुआ, पड़ता है, जो जनता ऑक्सीजन का के दिल लिए जीतता वोट है उसी आप को वोट मिलता है, शर्म उत्तर प्रदेश आनी की जनता चाहिए, भारतीय जिस तरह जनता से पार्टी को वोट घोड़बंदी दे रही कर है, कर, तो इसलिए भी जिस आपके तरह पेट से में दर्द भारत नहीं होना बनी चाहिए। सरकार, आप पहले जब लोग कम बंदे को मतदान बुला हुआ दो करने तीन का काम परसेंट कर रहे तब भी हो, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे, अब ज्यादा मतदान हो रहा है तब भी भारतीय भाजपा के जनता लोग पार्टी के को यही खिलाफ बोल रहे होता हैं, है, अब जनता घर से बीच बाहर में बोल निकल रहा के है, आप हमसे लोगों बात के किए किया गया, कर्मों आप पे जवाब वोट देते दे रही है, तो तो जो अच्छा दिक्कत लगता है मित्र, आप अरे पढ़े पूरी लिखे में हो, जो आपने संदीप काम जी ने किए वो कैसे लेकिन भूल आप जाएगा, जिस भूल तरह से जाएगा, अपने विकास नहीं को भूलेगा, गिना रहे इसलिए थे, कर्म ये सबके साथ रहते भारतबंधी हैं, करने से काम कर्मी नहीं सब चलेगा, किस साथ ये जाता है, आप लोग आज जो जो गर्मी जनता आप वोट चढ़ा दे रही देते है आप हैं, बताओ गर्मी कांग्रेस साथ क्यों चलते उतरे हैं, हैं इसमें जनता चर्मी को, चढ़ा ये देते तीन हैं, काम चर्मी बता दो आप, चढ़ा देते हैं, कोई आपके चर्मी पास लोगों पर नेता नहीं, लाठी कोई चला आपके रहे हैं, पास जी नीति नहीं, शर्म आनी कोई आपके पास चाहिए, मॉडल अपने नहीं, बीच में आप बोलने तो का पंजाब में जा रही हो, जैसा बिहार ही हो, था यूपी वाले की बुराई चलिए होती है, अपना आप हंसते श्रम हो, अपना आप हंस के काम आते हैं, आपके का नेता विकास क्यों श्रम यूपी और उत्तर बिहार के भारत लोग आपको वोट दे, करेंगे, जब जो भी यूपी आपके आदमी साथ उनको खड़ा हो, पहुंचता मुझे है लगता तब है ये आप बीच सही में बोला आदमी के क्यों साथ खड़े करेंगे, हो, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश बात में मेरे नेता से है, हुई जो कांग्रेस बात आज मेरे से बहुरूपिया नहीं हो बनकर रहा उत्तर है, प्रदेश में क्योंकि देख रही है, शर्म आ रही दिख है रही है, इनको उसका सुनने कोई में, अस्तित्व उत्तर ये प्रदेश के गुंडे आज करके तक बात नहीं है, करते हैं, ये वो खुद ही गुंडेगर साबित का कर रही है, बात वो कर मैंने अजय मिश्रा साबित कर रहा टेनी है, के बेटे की खुद साबित बिल्डिंग कर रहा पर अजय लेकिन हम मिश्रा विकास की पर बात चढ़ा, करते हैं, पूछिए 4 पहिया गुंडेगर होगा की बात जहाँ दस करते हैं, घंटे में होता जाते अजय होंगे, मिश्रा आज टेनी तीन के घंटे घर में पर पहुंच क्यों नहीं जाते हैं, चला, लोहिया अपराधी जी के कहते थे साथ विकास अपराधियों हो, को धीरे धीरे हो, संरक्षण देने की बदलाव बात हुए करते हैं, हो विकास और हुआ बात है, करते तो हो दिक्कत है भाई, भारतीय तीन जनता अरे पार्टी गुस्सा को करके शर्म सरपंच आनी को चाहिए, वोट मिलता जिस है, तरह से योगी जी ऑक्सीजन को से गाली वही करके कटाता कांग्रेस आग को वोट लगा मिलता है, मोदी जी को बेचारा गाली आरएसएस देके का कांग्रेस की बहुत वोट बड़ा मिलता मोदी और का यही आपकी बोलता नीति है, लगा हमें रास्ता रास्ता बयान रही है, उसको भगवान जी का आप ईश्वर देख रहे हैं, आप अपना क्यों बेचारा चुप मन बैठे भी देख रहा है कि आप जिस हमारी तरह से कास्ट का जायसवाल विदेशी होता है, ताकतें सपा आतंकवादी बात कर रहा चीन है, आप पाकिस्तान सपा के का टक्कर और समर्थन आप ही करते हो शांति से और बैठे भारत हैं, को ऐसी पाकिस्तान सारी होने आप पे खाते बड़ी खुश हो, है उसका बिना विरोध बताए करते हो, तो पाकिस्तान विरोध मोदी की जी राजनीति से चलाते आप हैं, कहाँ वोट जिन्ना मिलता है, को चादर आडवाणी जी चलाते हैं और पाकिस्तान का आप बात हमसे दूसरा ये करते हो, चिल्लाइए जिन्ना कहीं बुराई का चादर चिंता कर चाहते सकते हो और जाके आपको बिरयानी आज खाते हैं पुष्कर में मोदी जी जी में कोई बिना बुराई बुलाए नहीं चले जाते दिखेगी, हैं,
बिना मायावती जी कोई राजनीति देगी आपको तो इनके कुर्सी पे आना है सब पाकिस्तान इंडिया हमारे गांव में कहावत है क्या होता है वो चलनी पाकिस्तान ने चलनी हमेशा तो देश के आगे भी नहीं है कि भैया आप थोड़े में ये चलनी है पाकिस्तान में ये कांग्रेस से चलनी हो गई है इसके बाद कभी वहां पाकिस्तान आ जाए आप शांति आप शांति रखिए आप शांति रखिए बहुत मुश्किल होगा आप लोग स्वयं देखिए गांधी जी के तीन बंदर वाली कांग्रेस अगर ऐसी चीजें होंगी तो पानी पी ले पहले बड़े भाई ये पानी राजनीति परिषद पे बात रखें क्योंकि मैं जहाँ से बैठा हूँ मुझे चाहिए कि आप उत्तर प्रदेश को भ्रमित कर रहे हो उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी कुशासन में युवाओं पर लाठीचार्ज होता है रोजगार नहीं खाली जमबंदी और घर को बांटने की राजनीति होती है ठीक है जनता समझ गई जनता समझ गई है ठीक है आप शांत हो जाइए शांत जाइए और भी लोग बैठे हैं देखिए बात की मैं मुद्दे की बात कहना शुरू किया बिल्कुल जयसवाल साहब का बात सुनने के बगैर भाजपा के प्रवक्ता बीच में कूद गए बात को दबाने की कोशिश किए आप विकास की बात पर नहीं नहीं कोई किसी की आवाज को दबा नहीं सकता जयसवाल साहब लोकतांत्रिक देश है कोई किसी की आवाज को नहीं दबा सकता है आप सुन लीजिए एक मिनट और भी पैनल में लोग बैठे हैं की कोशिश की गई कि नहीं 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 मेरी आवाज दबाने की कोशिश आप ही के चैनल पर की जा रही है नहीं नहीं आवाज दबाने की कोशिश नहीं की गई है जसवाल साहब आपकी बात का जवाब दिया गया है सवाल की सब जवाब मैं दे रहा था बीच में कंटिन्यूअस बोलते जसवाल साहब आवाज दबाने वाली कोई बात नहीं है आप मुखर होके बोलिए आपके जो भी मुद्दे हैं आपके जो भी मुखर होके बोल रहा था मैं आप मुखर होके बोलिए मेरे को बोलने से पहले बीच में कबाब में हड्डी कौन बना है कौन बीच में बोलना शुरू किया आप सवाल हमसे की थी प्रश्न का जवाब मैं दे रहा था तो उनको अगर भय लगा कि ये जयसवाल जी ने ये हमारा कलई खोल दिए दो गुजराती मॉडल जिस तरह से आए जिस तरह से इंटर के बाद करा देते हैं राम को राम लक्ष्मण के जोड़ी को तोड़कर भरत राम का जोड़ी बनाकर रावण के यहाँ पेश करते हैं ऐसे विद्वानों के पार्टी में वो रहे हैं संदीप दुबे जी विद्वता के उच्चतम स्तर पर है चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं पुष्पेंद्र जी भी हमारे साथ बने हुए हैं सपा से हैं पुष्पेंद्र जी सपा आप तो कह रहे थे कि गर्मी इनकी हम निकाल देंगे आप खुद ही यहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं देखिए मैडम क्या करें ये लोग मतलब एक बात बताइए एक गर्मी नहीं निकाल रहे थे मैडम एक गर्मी नहीं निकाल रहे थे तो चर्बी ढंडा कर रहे अरे सुन लीजिए थोड़ा सबर रखिए सबर करिए देखिए मैडम आपने देखा होगा हमने इस बार हमारे किसी भी नेता ने इस बार कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जो चर्चा का विषय बने क्योंकि हम लोग सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं हम लोग सिर्फ विकास को कैसे बढ़ाया जाए उसकी बात कर रहे हैं हम लोग सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जनता की परेशानी को कैसे दूर किया जाए हम लोग सिर्फ इस बात की बात कर रहे हैं कि शिक्षक की भर्ती कैसे दी जाए हम लोग इस बात की बात कर रहे हैं कि बेरोजगारों को रोजगार कैसे दिया जाए हम लोग इस बात की बात कर रहे हैं कि किसानों को उनका अधिकार कैसे मिले हम लोग इस वजह की बात कर रहे हैं कि जो बिजली हम पहले किसानों को फ्री देते थे वो दोबारा हमको उससे अच्छे तौर तरीके से कैसे दी जाए तो ये विपक्ष हो या सत्ताधारी पार्टी हो ये दिन रात ये तो लाइफ टाइम चलता रहेगा एक दूसरे पर आरोप लगाना लेकिन मैडम इस टाइम पर जनता को ये बताना जरूरी है कि हम लोग आपके लिए क्या करना चाहते हैं क्या जनता जनता सब जानती है आपका शासन काल भी जनता ने बखूबी देखा है और भाजपा का भी देख लिया है हमारे शासन काल में जनता ने जो देखा उसी को देखते हुए अब जनता वोट भी करने वाली है और जो गुमराह एक बार हुए दोबारा गुमराह जनता नहीं होगी हमने पहले भी आपके टीवी पे पहले भी कहा था कि आप कभी हमारा जब मैनिफेस्टो उठाएंगी 2012 वाला और उसको मैच करने लगेंगी तो अधिकतर उसमें सारे काम हो चुके हैं कुछ काम रहे वो हम नेक्स्ट में करते हैं लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि जनता को गुमराह कर दिया गया 2017 में इन 59 सीटों में जिसमें आज मतदान हो रहा है चौथे चरण का इन 59 सीटों में 51 तो भाजपा ले गई थी 4 आपके खाते में आई थी मैडम मैंने अभी आपको कहा 2012 में जो जनता को गुमराह किया गया उस गुमराह से वोट जनता अब निकल चुकी है इसमें कोई दो राय नहीं है 2012 में सुन तो लो मेरी बात सुन में होता मैंने ये भी कहा है कि 2012 के बाद 2014 में 2017 में 2019 में तीनों में भरपूर वोट मिला बीजेपी को
और वो सब वोट जनता ने दिया कि उनको यकीन था कि जनता कि बीजेपी कुछ काम करेगी, लेकिन अब जो वोट हो रहा है उनके फेलियर के ऊपर हो रहा है, जो फेलियर हो रहा है, जो जनता को उम्मीद थी उस उम्मीद पे खरा ना उतरने पे उस पे वोट हो रहा है। तो वोट जो अब हो रहा है, वोट की चोट जनता 2022 में इस बार सफल सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जनता समझ चुकी है कि उत्तर प्रदेश का भविष्य माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथ में, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी वो चेहरा है जो उत्तर प्रदेश के विकास को बढ़ा सकते हैं, बेरोजगारी को घटा सकते हैं और उत्तर प्रदेश में दोबारा विकास का पहिया चलेगा। और आप देखिएगा यही उत्तर प्रदेश खुशहाल होगा। जो ये आज बोलने वाले विरोधी हैं, इनका उस साइकिल पर तो बहुत लगेगा, मैं आप दावे के साथ कह रहा हूँ 2022 में उस पहिये पर, उस साइकिल पर तो बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। फिर तो साइकल, मैंने आपसे पहले कहा तो पंचर हो गई ऐसा कहा जा रहा है, पंचर हो जाएगी तो फिर कैसे चलेगा। हमने इस चुनाव में कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया, हम चाहते ही नहीं कि हम इसमें फंसे। हम तो सिर्फ विकास विकास और विकास, ये माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने साइकिल को आतंकवादी जोड़ दिया और भी कई गर्मी सर्दी निकलने वाले बयान है, लेकिन हमने अपना डिसाइडेड है कि हमको जनता को जनता की बात बतानी, जनता अच्छा ना हमें इधर क्या करने है, वाले ना हमें इधर देखना है, हम पूरी तरह से फोकस्ड है, हम सामने देखकर चल रहे हैं। ये सब जो एक बार बताइए ना, जब हमें जनता का भला करना है, जनता के बारे में सोचते हम क्यों सोचे कि अमित शाह क्या बोल रहे हैं। हाँ, हम लोगों को जवाब देने पड़ते हैं, जब जैसे अमित शाह जी ने कहा या प्रधानमंत्री, वो किसी बात का जवाब देना पड़ता है, लेकिन हम अपनी तरफ से ऐसा कोई बवंडर नहीं करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान विकास से हटे। वो लोग ध्यान हटा रहे हैं जिन्होंने विकास नहीं किया, वो लोग उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं जिनको ये डर है कि जनता अगर विकास के ऊपर वोट देगी तो वोट नहीं देगी, वो लोग मन भटका रहे। हम लोगों को पक्का यकीन है कि जनता हमें विकास के नाम पर वोट देगी, तो हम जनता को गुमराह क्यों करेंगे, हमें क्या जरूरत पड़ी है एक दूसरे के ऊपर, बिजली मुफ्त के नाम पर 11 लाख सरकारी नौकरी के नाम पर 300 यूनिट बिजली मिलेंगी, पहले की तरह सिंचाई जो है वो फ्री होगी। और अभी तो एक बहुत बड़ा जो एक और हमने बात बोली है कि 30 लाख से नीचे वाली जितनी गाड़ियां उनके ऊपर टोल फ्री होगा, ये बहुत बड़ी राहत तमाम लोगों के लिए है, क्योंकि मध्यम वर्ग की सारी गाड़ियां 30 लाख से नीचे आती है, हम खुद मध्यम वर्ग से आते हैं, तो मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ा, मध्यम वर्ग के लिए, गरीब वर्ग के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो अपने उत्तर प्रदेश में टोल फ्री होकर कहीं भी आ जा सकता है। आज हम लखनऊ से, दिल्ली से लखनऊ जाते हैं तो कम से कम 2500 रुपए टोल लगता है, और सोचिए आम आदमी जब अपने व्यापार के लिए काम के लिए जाएगा तो उसको 2500-3000 की छूट मिलेगी, तो निश्चित तौर पे चलिए ठीक है। पुष्पेंद्र जी, आगे चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे। कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं क्योंकि आज चौथे चरण का मतदान सुबह से हो रहा है और करीब करीब अब 4:30 बज चुके हैं, तो अच्छा खासा वोटिंग परसेंट भी आ रहा है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, जनता को सुनवाते हैं। बदलाव का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, जो किसानों पर अत्याचार हुआ है, महिलाओं पर हुआ है, और कांग्रेस पार्टी ने जो प्रतिज्ञाएं ली हैं नौजवानों, महिलाओं, किसानों के लिए, जनता उस पर समर्थन कर रही है। कांग्रेस की सरकार बनेगी 10 मार्च को। केवल तस्वीर जो है मोदी जी और योगी जी की हर मतदाता के दिल में है। सर, मयंक जोशी अखिलेश यादव से मिले, बाकी किसी तस्वीर का कोई महत्व। सर, अखिलेश यादव और मयंक जोशी की मुलाकात, बीजेपी सारी सीटों को भारी बहुमत से जीत रही है, पिछला रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ेगी। जनपद में आज फतेहपुर जनपद में मतदान का दिन निर्धारित है, हमारे जो की बूथ जो है उनकी संख्या 2238 है। सभी बूथों पे पर्याप्त रूप से सीएपीएफ की फोर्स, ऑक्सिलरी फोर्स, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती, इसके इतर 17 बूथों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स भी नियुक्त किए गए हैं। बताना चाहूँगी कि प्रथम बार टोटल 1343 जो कि ऑलमोस्ट 60% है, 60% प्रतिशत जितने भी बूथ हैं उन पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था है। हर वेबकास्टिंग जो विधानसभा वाले हैं उन पर नोडल ऑफिसर लगे हुए हैं, पैनी नज़र रखी जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही चुस्त है, लेकिन सुरक्षा के साथ साथ सुगमता पे भी विशेष ध्यान दिया गया है। AMF की भी बहुत ही कम शिकायतें आई हैं। सभी पोलिंग पार्टी मतदान कर्मियों के लिए एवं मतदाताओं के लिए आज जनपद फतेहपुर में मतदान का दिवस निर्धारित है, चतुर्थ चरण 23 फरवरी, और हमारे 2238 बूथ हैं। सभी बूथों पर पर्याप्त रूप से सुरक्षा व्यवस्था, सुगमता हेतु सभी जो फैसिलिटीज हैं मतदान कार्मिकों के लिए, मतदाताओं के लिए, जैसे कि आदर्श बूथ है मेरे द्वारा विजिट किया गया,
इस अपॉर्चुनिटी को लेते हुए मैं सभी मतदाताओं से अपील करूंगी कि मैंने अपना मतदान कर दिया है, आप सभी घर से बाहर निकले, इसको किसी प्रकार का अवकाश या छुट्टी न माने। मतदान हम कर रहे हैं अपने विकास के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि अभी तक तो ये राजनीतिक मुद्दों पर लोग अपना कर रहे थे, लेकिन अब कम से कम हम युवाओं के लिए फैक्ट्रियां लगवाई जाएं, रोजगार के परख खोले जाएं, इसी सब चीज़ों के लेके मतदान कर रहे हैं। मैं तो पूरी तरह 2017 के विधानसभा चुनाव जनता पार्टी को जितनी कामयाबी हासिल हुई सब हो गई, इस बार के चुनाव में भी उतनी ही संख्या में हमको कामयाबी हासिल होगी। सर 9% वोटिंग परसेंट जो कम रहा उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी वोटिंग परसेंट जो कम हो रहा है, लोकतंत्र में सबसे बड़ा दान मतदान होता है। लोकतंत्र के सशक्तिकरण के लिए यह भी आवश्यक है कि लोगों की मतदान के प्रति जागरूकता बढ़े, अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान करें, यह मैं आम लोगों से अपील करूंगा। अखिलेश यादव 85-15 का रेशियो दे रहे हैं, क्या कहेंगे सर? मैंने उनके स्टेटमेंट पर मुझे कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी। आपने देखा होगा 2017 की विधानसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों का गठबंधन था, जबकि उस समय बहुत ही सशक्त गठबंधन माना जाता था। ठीक चल रहा है चुनाव, बढ़िया चल रहा है, जीत निश्चित है। किससे फाइट हो रही है आपकी? कमल के फूल से, भाजपा से। यहाँ पर भी इसमें दिक्कत होने के कारण वोटिंग का प्रारंभ हुआ है। हमारे बुजुर्ग माता पिता को, मातृ शक्तियों को एक एक डेढ़ घंटा इंतजार करना पड़ा, दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक ही लाहवाली रही है, लेकिन अब वोटिंग शुरू हो गई है। मैं स्वयं वोट डाल के आ रहा हूँ, समस्या समाप्त हो गई है, तो बहुत जल्दी यहाँ पर सारी चीज़ें प्रक्रियागत हो जाएंगी। जनता से क्या अपील है? मैं जनता से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि आज़ादी के 75 सालों में हमने कभी विकास के लिए और राष्ट्र के लिए वोट नहीं दिया। ये अवसर हमारे सामने है कि देश के लिए, विकास के लिए और अपने आध्यात्मिक दृष्टि से, अपने धर्म और संस्कृति के लिए वोट दें। 305 नंबर बूथ पे आया था। हाँ, गिरधारी सिंह इंटर कॉलेज। गिरधारी सिंह इंटर कॉलेज में क्या समस्याएं उठानी पड़ी? समस्या यही कि मतलब आने पर ईवीएम मशीन वालों खराब है, प्रॉब्लम होते हुए भी आधे पौन घंटे से बजाय इंतजार करते करते। हाँ, तो पैदल खुद चल के आए आप? पैदल चल के आए ऐसे लंगड़ाते चलते हुए आए, इसलिए पैर में परिया है नहीं, इस पैर में पैर में चलने बहुत प्रॉब्लम है खड़े होने में। कोई व्हील चेयर नहीं है, कोई कुछ इंतजाम नहीं, कोई इंतजाम नहीं है, कोई इंतजाम नहीं। ये कुंवर गिरधारा सिंह पोलिंग स्टेशन है और मेरा पोलिंग रूम 305 नंबर था, जहाँ पे मैं सुबह लगभग 7:15 बजे पहुँच गया था, परंतु बताया गया पोलिंग मशीन जो वोटिंग मशीन है वो खराब पड़ी हुई है। उसके लिए पीटासीन अधिकारी से कांटेक्ट किया गया। हाँ। बोले अभी काम चल रहा है, अभी ठीक हो जाएगी। किसी तरीके की यहाँ पे व्हील चेयर या और कोई सुविधा? कोई व्हील चेयर नहीं, कोई चेयर नहीं, इवन नॉट सीनियर सिटीजन के लिए भी कोई प्रॉपर नहीं। मैं खुद भी सीनियर सिटीजन हूँ, लेकिन मुझे आधे घंटे तक वेट करना। तो ये प्रतिक्रियाएं आपने सुनी अलग अलग तरीके की, जहां आम जनता कह रही है कि उन्हें वोट करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ आम जनता ये भी कह रही है कि वो सकुशल वोट करने पहुंचे हैं, किसी तरह की कोई शांति भंग नहीं हुई है, शांति व्यवस्था लगातार बनी हुई है। तो ऐसे में तमाम मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं फिर से रुख करूँगी। पुष्पेंद्र जी, लगातार आपसे हम चर्चा कर रहे थे, पुष्पेंद्र जी कहाँ चले गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं? पुष्पेंद्र जी, आपसे हम चर्चा कर रहे थे, आप लगातार ये कह रहे थे कि हम सिर्फ और सिर्फ विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हम ना तो कोई बयानबाजी कर रहे हैं, हम ना ही कुछ बोल रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, आवाज आ रही है मेरी? मैडम आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। अब आ रही है ठीक? बहुत कम आवाज आ रही है मैम। चलिए ठीक है, इस समस्या को हम सुलझाते हैं। उससे पहले यहाँ पर कांग्रेस के भी प्रवक्ता बने हुए हैं जयसवाल साहब, और तो बोलना शुरू करते हैं तो फिर शांति नहीं होती, फिर बीच बीच में शांत कराना पड़ता है। जयसवाल साहब, चलिए ठीक है, आखिरी सवाल आपसे ही ले लेते हैं। कांग्रेस इतने दशकों से अछूती रही है जीत से या कहीं कहीं बहुमत से, इस बार क्या लग रहा है? आखिरी सवाल आपसे। देखिए, कांग्रेस अछूती नहीं रही है, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और जनता नकारा है, तो जनता कहीं कांग्रेस को कमजोर पाई है, तो हमारे कर्तव्य निष्ठा का हम पालन नहीं किए होंगे, इसलिए नकारी। जनता का विश्वास जीतने के लिए, जनता को जिस तरह से इतना दिन से उत्तर प्रदेश में जो प्रादेशिक पार्टियां बनकर मजबूती से उभरी, उससे जात धर्म के अनुरूप चुनाव लड़ते गए, लेकिन अब जनता समझदार हो गई है। जिस तरह से युवाओं में एक नया आक्रोश आया है,
महिलाओं अपने ताकत के बल पर आज आधी आबादी का ताकत बढ़ाने के लिए प्रियंका गांधी जी जिसने जिस तरह टिकट बोली थी कि 40% कांग्रेस महिलाओं को टिकट देगी, हम 40% महिलाओं को टिकट दिए है। दम तो सब कर रहे हैं जीत का, दावा तो सब कर रहे हैं, लेकिन ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा कि आखिर कौन जीतेगा और किसकी हार होगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो यूपी का चौथा चरण है, 9 जिलों की 59 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और करीब करीब ओवरऑल हम देखें तो 50% मतदान अब तक हो चुका है। ऐसे में अब बहुत ही कम समय बचा है, तमाम जो मतदान केंद्र है वहां पर लंबी लंबी कतारें जो है मतदाताओं की वो देखने के लिए मिल रही है। न्यूज़ वन इंडिया की टीम भी लगातार ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जो चुनावी कवरेज है लगातार जारी है।